वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेजर्ट कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे बहुत ही कम रेन फॉल होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, वहाँ पे ये डेजर्ट होता है। अब यहाँ पे डेजर्ट के और कारण हो सकते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है और पानी कम बरसता है, तो वो भी एक डेजर्ट का कारण हो सकता है। अब मेनली हम लोगों के दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, कौन कौन से, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अब पहला हम लोगों का हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा गर्मी के दिनों में ये और ज़्यादा हॉट हो जाता है। और ये वाले कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा और मकर रेखा की बीच में ये वाले डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। अब हम लोगों का अगला है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, तो कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है या लंबे समय तक वहाँ पे जाड़ा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। और ये बेसिकली जो प्लेस होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के पास में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत ही कम पहुँच पाती हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेजर्ट के अंदर कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल रहते हैं और नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का संबंध बैठाते हैं। तो कंपोनेंट में डेजर्ट प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे नागफनी हो गया और चौड़ी पत्ती या कांटेदार वाले वृक्ष हो गए। डेजर्ट एनिमल में लिजार्ड हो गया और कैमल, इसके बाद हम लोगों का रोड रनर, जैसे कौन सा, रोड रनर। तो ये सारे कुछ हमारे पास प्लांट और एनिमल हैं। अब हम लोगों का अगला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक इकोलॉजिकल यूनिट है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर आते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में वाटर, सॉइल एंड एयर, ये तीन टर्म आते हैं, जो क्या करते हैं, एनिमल या प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसकी सहायता से ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। अब इसके बाद हमारे पास जो अर्थ है उसका 4.6 × 10⁷ किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा कवर्ड है ग्रासलैंड से, जो 32% ओवरऑल हमारे प्लेनेट का या पूरे वर्ल्ड का ये 32% है। ये ग्रासलैंड ज़्यादातर सूखे फॉरेस्ट में उगते हैं, लेकिन इनमें कुछ सफिशियंट सॉइल वाटर होता है जो कि क्लोज्ड हैबेशियस प्लांट कैनोपी को सपोर्ट करता है, और ये डेजर्ट में बहुत ही कम उगते हैं। अब इन ग्रासलैंड को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइडेशन किसके हिसाब से होता है, तो कंटेनमेंट के हिसाब से होता है, और इनका क्लासिफिकेशन कुछ और टर्म के आधार पर किया जाता है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक डोमिनेंट स्पीसीज। तो इसके हिसाब से मेरे पास जो ग्रासलैंड है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे पहला है हम लोगों का टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको हम लोग समशीतोष्ण ग्रासलैंड के भी नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगला हम लोगों का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको हम उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं, और अगला हम लोगों का पोलर ग्रासलैंड। अब जो ये ग्रासलैंड होता है, इसकी जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इस वजह से यहाँ पे जो घास होती है वो बहुत भारी मात्रा में उगती है, और इसमें हमारे पास कुछ अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में बेस और ऑर्गेनिक मैटर भी मिले हुए होते हैं, जो कि घास को बढ़ने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रासलैंड के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और ये इकोसाइकल कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हम लोग अगर यहाँ पे वल्चर है या स्कारवेंजर हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अब जैसे यहाँ पे फिर हम लोगों का एलिफेंट है, तो एलिफेंट क्या करेगा, पेड़ों को खाएगा,
मतलब इसको हम लोग एज द कहें ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। जैसे ये जेब्राज हैं, ये क्या करें छोटी छोटी घास को खाते हैं, तो ये हमारे क्या हुए प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस इनको कहलाते हैं कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे चीता हो गए, इनको हम लोग कार्निवोरस के नाम से जानते हैं, जो कि ये जेब्राज या प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर अपना पेट भरते हैं। इसके बाद जब ये जेब्राज क्या हो जाते हैं डेथ हो जाते हैं या पेड़ पौधे की डेथ हो जाती है, तो जो डिकम्पोजर हैं ये क्या करते हैं इन सबको डिकम्पोज करते हैं या नष्ट करने का काम करते हैं। और इसके बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे जो तत्व हैं नाइट्रोजन या कार्बन में क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा इकोसिस्टम है, जेब्राज हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, वो हमारा एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम था। अगला हम लोगों का एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये एक हमारी वाटर की ही बॉडी है जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं डिपेंडेंसी दिखाती हैं, या एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट करना है वो यहाँ पे शो करती हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा हमारा मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन आते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम और रिवर इकोसिस्टम। पहला है यहाँ पे हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम, ये हमारा क्या है फ्रेश वाटर की एक स्मॉल बॉडीज है जो क्या होता है उथला होता है और यहाँ पे वाटर बिल्कुल स्टिल रहता है। फिर अगला हम लोगों का लेक इकोसिस्टम, इसमें वाटर हल्के धीरे धीरे से मूव करता रहता है, जिससे पूल्स में हम लोगों का क्या करता रहता है वाटर मूव करता है। फिर अगला हम लोगों का रिवर इकोसिस्टम, यहाँ पे वाटर बहुत तेजी से मूव करता रहता है और माउंटेन्स या हाईलैंड से होता हुआ सीधे समुद्र में जाता है। अब अगला हम लोगों का मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम पूरे अर्थ का हमारे पास 71%, और अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास प्लैनेट में वाटर की कितना परसेंटेज है, तो 97% हमारे पास टोटल वाटर है पूरे प्लैनेट का। तो ये हमारा क्या हो गया मरीन इकोसिस्टम। जैसे व्हेल मछलियां हैं या बड़े बड़े और ऑक्टोपस हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं समुद्रों में, वो हमारा मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो बैलेंसिंग है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति में जो ये प्रोड्यूसर होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने के बाद फिर हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो इनका क्या करेंगे उपभोग करेंगे या इनको खाएंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं जूप्लैंकटॉन भी कहते हैं। और जो ये पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे फाइथोप्लैंकटॉन कहेंगे। फिर इसके बाद हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होता है जैसे फिशेज, वो क्या करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या जूप्लैंकटॉन को खाते हैं। इसके बाद हमारा टर्शरी कंज्यूमर जो बड़ी बड़ी मछलियाँ या टर्टल्स हैं वो क्या करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। इसके बाद ये प्लांट नष्ट हो जाएंगे और ये मछलियाँ क्या हो जाएंगी मर जाएंगी, तो नीचे उपस्थित क्या डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया या फंजाई इनको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ देंगे और यही कंपोनेंट सेडिमेंटेड के रूप में नीचे या अवसाद के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। तो ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है।